हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ममता सचदेवा और फॉर दोज हु डू नॉट नो मी, आई एम अ कैबिन मैनेजर वर्किंग फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन फॉर मेनी इयर्स। और ये चैनल सिर्फ आप सबकी मदद के लिए है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है ट्रैवल के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमने लिया है कैबिन व्हील चेयर, और व्हील चेयर स्टेप्स होती है और एक व्हील चेयर रैम्प होती है, तीन तरह की व्हील चेयर होती हैं। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर आप कभी भी फ्लाइट के लिए व्हील चेयर बुक कर रहे हो, आपकी कोई हेल्थ रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको कौन कौन सी व्हील चेयर आपके काम आ सकती हैं और कौन सी व्हील चेयर आपके लिए नहीं है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि व्हील चेयर जो है वो तीन तरह की हैं। ऑलरेडी मैंने आपको उनके नाम बताए हैं, व्हील चेयर कैबिन है जिसको व्हील चेयर सी बोला जाता है, व्हील चेयर रैंप बोला जाता है, व्हील चेयर आर को, और व्हील चेयर स्टेप बोला जाता है व्हील चेयर एस को। तो ये तीन कोड्स होते हैं, सी आर और एस, जो व्हील चेयर के आगे लगे हुए होते हैं और उनका डिफरेंट मीनिंग होता है। तो लेते हैं पहले कैबिन व्हील चेयर। कैबिन व्हील चेयर उनके लिए होती है जो बिल्कुल अपने आप को सीट से निकाल नहीं सकते, चल नहीं सकते, टॉयलेट खुद नहीं जा सकते, तो उनके लिए कैबिन व्हील चेयर होना जरूरी है। कैबिन व्हील चेयर क्या होती है, उसका मतलब है कि जब आपने व्हील चेयर कैबिन बुक की है तो आपको एयरपोर्ट से एक व्हील चेयर पे बिठाकर आपको एयरक्राफ्ट के डोर तक लेके आया जाएगा। लेकिन एयरक्राफ्ट के डोर पे आके भी आपको जो एयरक्राफ्ट के अंदर से कैबिन क्रू एक कैबिन की व्हील चेयर निकालते हैं और इस व्हील चेयर के ऊपर आपको ट्रांसफर करा जाता है और आपकी सीट पे आपको जाके बिठाया जाता है। लेकिन कैबिन व्हील चेयर के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप कैबिन व्हील चेयर बुक कर रहे हैं, मतलब आपकी जो बॉडी की रिस्ट्रिक्शन है बहुत ज्यादा है, आप मूव खुद नहीं कर सकते फ्रीली, आप अपने आप को टॉयलेट में नहीं ले जा सकते, या आप बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, पैरालाइज हो, या जो भी रीजंस है, उसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है डॉक्टर से। आपकी जो उसमें हेल्थ कंडीशन है वो मेंशन होनी चाहिए, और कैबिन व्हील चेयर वाला जो भी पैसेंजर है उनके साथ कोई ना कोई ट्रैवल करने वाला होना चाहिए, वो अकेले नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं दूसरी व्हील चेयर, व्हील चेयर सियारा हम ले रहे हैं, जिसको स्टेप्स व्हील चेयर भी बोला जाता है। तो स्टेप्स का मतलब होता है सीढ़ियां। अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, वैसे आप लंबा वॉक चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में अगर प्रॉब्लम है तो आपको स्टेप्स व्हील चेयर को बुक करना है। तो उसमें क्या रहता है, आपको एयरपोर्ट से व्हील चेयर के ऊपर लिया जाता है। अगर एयरक्राफ्ट आपका इस जगह पे पार्क्ड है जहां पे सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हैं, तो आपको एक हाई लोडर के जरिए आपको व्हील चेयर के ऊपर बिठा के उस एयरक्राफ्ट के ऊपर चढ़ाया जाएगा, और वैसे ही जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो वैसे ही उसी जरिए से आपको एयरक्राफ्ट से नीचे उतारा जाएगा। अगर इन केस एयरक्राफ्ट से आपको सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा तो आपको वो व्हील चेयर से हाई लोडर से ही उतारेंगे। उसके बाद तीसरी व्हील चेयर आती है, व्हील चेयर रोमियो, जिसको व्हील चेयर आर भी बोलते हैं। ये होती है अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, कोई भी लंबा रास्ता आप नहीं चल सकते, आपके घुटने दुखते हैं, पैर दुखते हैं फॉर एनी रीजन, या कभी कभी वैसे ही लोग कंफर्ट के लिए वो व्हील चेयर बुक कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा एयरपोर्ट में चलना नहीं चाहते। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप वो व्हील चेयर बुक करते हो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप नॉर्मल वो व्हील चेयर बुक कर सकते हो, और वो व्हील चेयर आपको एयरपोर्ट से जब आप टिकट वगैरह अपनी इशू करके अपना बोर्डिंग कार्ड वगैरह ले लेते हैं, इमिग्रेशन वगैरह, आपको सब कुछ जो भी है वहां से व्हील चेयर के थ्रू ही कराया जाता है, सिक्योरिटी चेक वगैरह के थ्रू भी, व्हील चेयर के थ्रू, और एयरक्राफ्ट तक आप व्हील चेयर पे ही आते हो। तो उससे क्या होता है, आपको थकावट कम होती है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर बैठे हैं जो अपने माँ बाप को कहते हैं कि अगर आप वैसे ही आ रहे हो तो अगर आप नहीं चल सकते हो तो व्हील चेयर बुक कर लो। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है तो व्हील चेयर बुक मत कीजिए, अगर आपको रियली में जरूरत है तो व्हील चेयर बुक कीजिए, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है, सिक्योरिटी चेक वगैरह में टाइम लगता है, और फिर व्हील चेयर की चेकिंग वगैरह होती है, आपकी चेकिंग भी होती है, तो उसमें टाइम लगता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए। तो चलिए, आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दी होगी, और प्लीज अगर आपके कोई भी क्वेश्चन ट्रैवल से रिलेटेड हो जिनका मैं आंसर कर सकती हूँ, प्लीज इस वीडियो के नीचे मुझे लिख के भेजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा हम उसके ऊपर डिस्कशन जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर फॉर नाउ।